हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। ग्राम सभा हसनपुर का रहने वाला सहदेव विश्वकर्मा रोड का विवाद लेकर पहुंचा थाना सिकरारा। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। ये बताइए सर, थाना सिकरारा क्यों आए हैं? इसलिए आया था कि हम पहले एप्लीकेशन 2-3 दिए थे, हमारा और 2-3 कागज कोर्ट का आया था विवेचना में, तो उसके जरिए संबंधित सब कोर्ट का न्यायालय का चल ही रहा है। एक टांगा दे के पेड़ गिरा हुआ था और उसका मुकदमा चल रहा था, काटने के लिए ललकारबाजी बनाए, 5-6 जन के लेके 8 जन का गैंग बनाए और वहाँ मार मैदान का विवाद किए। कौन मार मैदान विवाद? अर्जुन जो है लगाए, हमारा पंडित से मुकदमा चल रहा है, अर्जुन के कहनाम से मैंने मुकदमा लड़ा जी, और सारा खर्चा बहम करने के बाद बोले कि मैं जितना खर्चा लगेगा दूंगा या तो मैं दिलाऊंगा सब लोगों से। तो ये दिलाने का और देने का कौन कहे, सीधा जो है टांगा पकड़ा के विवादित पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा, किस ग्राम सभा के हैं आप? हसनपुर। अच्छा, हसनपुर का। और कूड़ा का कुछ रोड का भी विवाद आप बता रहे हैं? जो रास्ता मेरा 100 नंबर और बड़े साहब का आदेश से खोल के दिए थे, उस पे इनकी वाइफ रोज जो है सुबह जूट और कचरा और अन्यथा सब कुछ कूड़ा करकट उस पे फेंक रही है। किसकी वाइफ? अर्जुन की। मतलब रास्ते में कचड़ा फेंक, वहाँ देखा जाए, मौका मुआयना किया जाए जी। एक कब से कचड़ा फेंक रही है? एक कचड़ा फेंक रही है, ये दूसरा महीना हो गया। अच्छा, दूसरा महीना से हम लोग को बगल से इधर उधर से आते जाते हैं वहीं कचरे के आजू बाजू से, और हम लोग कहीं फूल लिए हैं, कहीं कुछ पूजा का सामान लेके आते हैं तो उसी कूड़ा करकट पर से आते हैं। अच्छा, आपके सगे भाई हैं? हाँ, सगे भाई। ये कब से दिक्कत हो रही है? ये हम नहीं थे, बम्बई थे, तब से 8 महीने से रास्ता बंद करके और अपने औरत को लाठी डंडा दे के कुर्सी पे बैठाए थे कि ये लोग आते जाते हैं तो मारो मैदानों इनको, तो हम नहीं माने, हम तो उसी से आ जा रहे हैं, लेकिन कचरा करकट एक बराबर फेंकवा रहे हैं और मना करने पे आमादा हैं गुंडे ही। ठीक। और एक और इन पटीदार में है, उनका नाम हरिकेश है, इनके सब साथ में गेंगबाजी बनी हुई है जी। हाँ, 5-6 जन 10 जन का गेंगबाजी बनी। अच्छा, ग्राम सभा हसनपुर के रहने वाले हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? सहदेव विश्वकर्मा।